आज हम लोग बात करेंगे कन्नड़ा मूवी हीरो के बारे में, जिसका वेट मैं बेसब्री से कर रहा था और पिछले दो दिनों से काम में इतना बिजी था कि मूवी देखने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन आज फाइनली मैंने इस मूवी को देख लिया है और आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं कन्नड़ा इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों करता हूँ। भाई ये मूवी एक बेटर एग्जाम्पल है, इतनी सिंपल कहानी को इतनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया है, भाई हैट्स ऑफ है पूरी की पूरी टीम को, हर एक डिपार्टमेंट में ये मूवी परफेक्ट है। खैर मैं आपको सबसे पहले कहानी बता देता हूँ। कहानी शुरू होती है ऋषभ शेट्टी से और एकदम मतलब फास्ट वे में बताया कि उनकी एक गर्लफ्रेंड थी और उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़कर एक गुंडे से यानी कि एक माफिया से शादी कर लेती है। अब इस वजह से ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर है वो उससे बदला लेने की कोशिश करता है और उसको मारना चाहता है, लेकिन इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आती है ये मैं कुछ भी नहीं बताऊँ, क्योंकि 2 घंटे की मूवी होने के बावजूद भी आप ये पूरी मूवी को देखते हो आपको ऐसा लगता है इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, इतना गजब का बनाया। और ये मूवी एक ब्लैक कॉमेडी है और फर्स्ट हाफ एक नंबर है। ये मूवी हिंदी में रिलीज नहीं हुई है लेकिन सबटाइटल के थ्रू भी इतनी मुझे हंसी आ रही थी और जो सिचुएशन यहाँ पे बता रही थी यार आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो किस लेवल की ये मूवी है। उसके लिए इस मूवी में कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा कैरेक्टर है नहीं, लेकिन जिस हिसाब से कैरेक्टर्स को लिखा है ना मज़ा आ जाएगा और उन कैरेक्टर्स के थ्रू आपको हर एक चीज़ फील होगी, इमोशंस फील होगा, एंगर फील होगा, डाउट फील होगा, होप, कहीं ना कहीं आप इस पूरी मूवी में इजीली खो जाते हो। इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो आपका दिल जीत लेगी, जिस तरीके से वो स्लो मोशन के जरिए हमें चीज़ें बताइए स्टार्टिंग में आपको हंसी भी आ रही है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार हम लोग ऋषभ शेट्टी की मूवी देख रहे हैं, वो एक अलग ही सिनेमेटिक एक्सपीरियंस होता है आपको और मज़ा आ जाता है। मूवी का BGM हाई क्लास है और पूरी मूवी की जान इसका BGM है और फर्स्ट सीन से जो आप एक एसेंस होता ना साउथ की म्यूज़िक का हुआ आप फील कर पाओगे और उसके बाद एक राउडी वाली म्यूज़िक पूरे जो बैकग्राउंड में बजती है जब वो ऋषभ शेट्टी की एंट्री होती है उस घर में, यार टू गुड BGM मैं तो बोलता हूँ इस मूवी का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो भाई जैसे कि मैंने कहा एक मामूली सी कहानी, एकदम मामूली सी ऑर्डिनरी, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एकदम ऑर्डिनरी सी कहानी है, लेकिन जिस तरह से लिखी है ना तारीफ करनी पड़ेगी इसके स्क्रिप्ट राइटर की। उसके परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई नो डाउट ऋषभ शेट्टी वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स ऑफ कन्नड़ा इंडस्ट्री, द वे ही परफॉर्म्स, उनकी आँखें बहुत सारी चीज़ें बता देती है और जो उनके एक्सप्रेशन होते हैं। ये मूवी अगर आप मुझे दोबारा से भी देखने को बोलोगे ना तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऋषभ शेट्टी के लिए जाऊँगा, एवल का परफॉर्मेंस उन्होंने किया है, लेकिन यहाँ पर उनके अलावा दूसरे और एक्टर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी, स्पेशली जो लीड एक्ट्रेस है गनिका लक्ष्मण, यार उनका भी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रमोद शेट्टी एज यूजुअल यार एक अलग तरह का रोल था यहाँ पर, और जब वो अब यहाँ पर स्पॉयलर्स हो जाएगा लेकिन जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पर इतना रियलिस्टिक लगा था प्रमोद शेट्टी का परफॉर्मेंस, वो स्कैरी फील करता है आपको उस टाइम पर जब आप उनको स्क्रीन पर देखोगे तो। उसके अलावा हमें जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स थे सब लोगों ने अपने इस रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा हुआ, आई थिंक इन्होंने इनकी ये डेब्यूटेंट डायरेक्टर है, शायद इनकी ये पहली मूवी है, मुझे नहीं इतना आइडिया नहीं, शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से इस बंदे ने डायरेक्ट किया ना भाई इस पर्टिकुलर मूवी के बाद काफ़ी लोग पहचानेंगे। लोग अभी भी इस मूवी का चेकआउट नहीं किए तो किसका वेट करो, जाओ भाई थिएटर्स में लगी है, लेकिन एक बात याद रखना कि ये बच्चों के लिए नहीं है। हालांकि इसमें एडल्ट सीन मतलब वो गंदे सीन नहीं है लेकिन जो वायलेंस के सीन है, जो ब्लड शेड के सीन है वो बहुत ही गजब के, बहुत ही ज़्यादा है और वो इस मूवी का एक ऐसा पार्ट है जो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो चीज़ें नहीं होती तो ये मूवी में वो बात ही नहीं होती। तो देखा जाए तो ये मूवी जिस हिसाब से बनाई गई है वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को नज़र में रख के बनाई गई और उन ऑडियंस में से एक मैं भी हूँ। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा भाई 9 out of 10, एक मार्क इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये मूवी हर किसी को पसंद आए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो यार बस इस वीडियो में इतना, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। और मैं रहता हूँ मुंबई में कुछ थिएटर्स में इसके इंग्लिश सबटाइटल्स अवेलेबल है और कुछ में सबटाइटल्स नहीं है, ये बात याद रखना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।